एक ओर से देवराज इंद्र पीटते और दूसरी ओर से सारे असुरगण, और इसी घर्षण में आरंभ हुआ सागर का मंथन। नमस्कार दोस्तों, समुद्र मंथन हुआ था ये बात तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके पीछे का असल कारण क्या था, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि अपने रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी पर सवार होकर आते हुए देखा, तो ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक भाग्यशाली दिव्य माला अर्पित कर दी। इंद्र ने बिना सोचे समझे उस माला को स्वयं ना रखकर अपने हाथी को पहना दिया, और एक हाथी किसी माला का मूल्य क्या समझता, उसने उस माला को गिराकर अपने दोनों पैरों से कुचल दिया। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने इंद्र और सभी देवताओं को दुर्भाग्य से ग्रसित होकर सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य से वंचित रहने का श्राप दे दिया। अब देवताओं के दुर्भाग्य की जानकारी असुरों को हुई। असुर ये जानकर तीनों लोकों पर कब्जा करने चल पड़े, और उन्होंने कब्जा कर भी लिया तीनों लोकों पर, तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब सारे देवतागण मिलकर सलाह के लिए भगवान विष्णु के पास गए, जिन्होंने उन्हें समुद्र मंथन द्वारा क्षीर सागर के नीचे से अमृत निकालने के लिए कहा। अब सभी देवतागण अकेले इतना कठिन कार्य करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए उन्होंने असुरों की मदद मांगी, और असुर सहमत भी हो गए थे इस बात पे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि समुद्र से निकलने वाले सभी रत्न को देवताओं और असुरों में समान रूप से बांटा जाएगा, तब हम आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। देवताओं ने उनकी बात मान ली। इस प्रकार नागों के राजा वासुकी को मंथन की रस्ती और मंदार पर्वत को मथनी बनाकर सागर का मंथन किया गया। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार के रूप में पर्वत को सहारा दिया था, तो कुछ इस प्रकार हुआ था सागर मंथन। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।